दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर गुरुवार को वैलेंटाइन डे का पुतला फूंका गया, जिसकी अगुवाई करते हुए छात्र नेता विक्रम आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि आधुनिकता के इस दौर में हम सभी खुद को एडवांस दिखाने की होड़ में अपने हिंदुस्तानी होने की वजूद को खोते हुए पाश्चात्य सभ्यता के इस वैलेंटाइन डे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का हास्य हो रहा है। इस दौरान नितेश चौरसिया, मयंक ओझा, अमरनाथ यादव, सम्राट प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता विक्रम आदित्य नारायण सिंह ने कहा, नहीं बनेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। विक्रमादित्य नारायण सिंह, हम सभी यहाँ पे सभी छात्र एकत्रित हैं पाश्चात्य सभ्यता के विरोध में। आजकल के युवा भटक रहे हैं, वैलेंटाइन डे हम लोग सुनते हैं, वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, ऐसे कई डेज वगैरह मनाए जाते हैं, और ये कभी हमारे भारत संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। यह पाश्चात्य से पाश्चात्य की सभ्यता है और पश्चिम देशों से ये सभ्यता आई है, लेकिन आजकल इसके भटके हुए युवा इस सभी डेज को मना रहे हैं, जिससे कि हमारे भारतीय संस्कृति का हनन हो रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति का हास्य हो रहा है। और अगर हम सभी युवाओं को, अगर हम सभी भारतीयों को मनाना ही होगा, तो हमारे भारत में एक से एक प्रेम गाथाएं अनंत साल तक जीवित रहेंगी। जैसे आप कृष्ण, अगर हमें मनाना होगा तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, माता सीता का और राधा कृष्ण का, या फिर हीर रांझा से लेकर कई अन्य प्रेम कथाएं मौजूद है हम सभी भारत में, हम सभी के भारत में हम उनके प्रेम गाथाएं मनाएंगे, ना कि पाश्चात्य सभ्यता के उन वैलेंटाइन जो भी थे वहाँ के महंत थे कि वैलेंटाइन उन्हीं के नाम पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन आजकल के जो भटके हुए युवा है वो इस डे को बहुत सर्वोपरि मानते हैं, जिससे कि हमारे भारत संस्कृति का हास्य हो रहा है, और उसी के विरोध में हम लोगों ने प्रेम का विरोध नहीं किया। प्रेम का कोई उम्र, कोई दिन, कोई साल नहीं निर्धारित होता, लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे, हम सभी युवा जो भटके हुए युवा हैं, एक माइंड मेकअप हो गया हम सभीों का, और हम सभी लोग इस डे को मनाने में मजबूर होते जा रहे हैं। आज हम सभी इसी डे का विरोध किए हैं, प्रेम का विरोध नहीं।